बिहार पुलिस एवं अन्य इकाइयों में सिपाही के पद पर चयन हेतु आयोजित प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के सफल आयोजन एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु आज बक्सर डीएम अंशुल अग्रवाल एवं एसपी मनीष कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से समरालय परिसर अवस्थित सभा कक्ष में प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की ब्रीफिंग की गई। लिखित परीक्षा 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18, 21, 25 एवं 28 अगस्त को एकल पाली 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा। 7 अगस्त को बक्सर डुमराव 17 परीक्षा केंद्रों पर कुल 9519 परीक्षार्थी, 11 को बक्सर डुमराव अनुमंडल अंतर्गत 17 को परीक्षा केंद्रों पर कुल 9736 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश 9:30 बजे से प्रारंभ होगा तथा 11 बजे के पश्चात किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा सभी केंद्राधीक्षक एवं परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मी को निर्देश दिया गया कि परीक्षा प्रारंभ होने के 3 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में अवश्य उपस्थित हो जाएंगे। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर आप सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे, बैनर लगाएंगे, परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर निरंतर प्रवेश के बारे में सूचना देते रहेंगे। मोबाइल जैमर 11 बजे पूर्व से 2:45 तक कार्यरत रहेगा। प्रतिनियुक्त स्टैंडिंग दंडाधिकारी, सह प्रेक्षक, ओबी सर्वर, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र पुलिस बल को निर्देश दिया गया कि परीक्षा प्रारंभ होने के 2.5 घंटा पूर्व 9:30 से पूर्वाह्न परीक्षा केंद्र में सुनिश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे। किसी भी परीक्षार्थी को ई प्रवेश पत्र एवं फोटो पहचान पत्र के बिना किसी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना अध्यक्ष आदर्श थाना औद्योगिक क्षेत्र मुफस्सिल बक्सर डुमराव को निर्देशित किया गया कि परीक्षा की तिथि को परीक्षा केंद्रों पर सतत निगरानी के साथ परीक्षा के पूर्व परीक्षार्थियों के ठहरने के स्थानों यथा होटल लाज आदि पर भी निगरानी रख जाएगी तथा किसी को भी संदेहास्पद स्थिति में पूर्ण छानबीन कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर एवं डुमराव इसका परीक्षण करेंगे। परीक्षार्थियों के सहायता के लिए रेलवे स्टेशन बक्सर एवं डुमराव तथा बस स्टैंड बक्सर के पास हेल्पलाइन काउंटर बनाया जाएगा। पुलिस उपाधीक्षक यातायात बक्सर सह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा तिथि को यातायात सुगम रूप से संचालित हो एवं किसी प्रकार की कोई ट्रैफिक जाम न हो। नहीं बिल्कुल, बिहार पुलिस एवं अन्य इकाइयों में जो सिपाही भर्ती की परीक्षा आयोजित की जानी है बक्सर जिले में 7 और 11 अगस्त, जो अभी तक के लिए प्राप्त सूचना है, 7 और 11 अगस्त को बक्सर जिले में परीक्षा आयोजित की जाएंगी। कुल 17 केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित बक्सर जिले में की जानी हैं, 12 जिसमें से बक्सर अनुमंडल में हैं और 5 केंद्र हमारे डुमराव अनुमंडल में। तो दोनों ही दिन 7 तारीख को लगभग 9519 अभ्यर्थी इस परीक्षा में बक्सर जिले में शामिल होंगे और 11 तारीख को 9736 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। जितनी भी तैनाती है स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की, सेंटर सुपरिंटेंडेंट की, जोनल मजिस्ट्रेट्स की, सभी की तैनाती कर दी गई है। आज सभी की संयुक्त ब्रीफिंग भी पुलिस अधीक्षक और मेरे द्वारा स्वयं कर दी गई है। हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार से बक्सर जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक की तमाम जो परीक्षाएं हैं शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराई गई है, उसी प्रकार से ये परीक्षा भी आयोजित की जाए। पूरे देश में जो है वो हजियत का विषय बना हुआ सरकार के लिए और प्रशासन के लिए भी, इसे रोकना किस प्रकार की चुनौती होगी आप लोगों के लिए? नहीं बिल्कुल, जैसा मैंने बोला, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम तरह की जितनी भी तैनातियां हैं, सभी पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी पूरी तरीके से सतर्क रहेंगे और जो होटल लॉज हैं उनमें भी रैंडम तरीके से छापेमारी निरंतर की भी जाती है और इसके लिए विशेष की जाएगी। और जो परीक्षा केंद्र हैं उनको भी पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दिया गया है। बिहार जो नई नागरिक सुरक्षा संहिता है उसकी धारा 163 के तहत दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों के द्वारा निषेधाज्ञा भी लागू की जाएगी। और आप लोग देखेंगे कि बक्सर जिला प्रशासन जिस तरीके से निरंतर एक स्वच्छ और शांतिपूर्ण वातावरण में तमाम तरह की परीक्षाएं आयोजित किए करता रहा है, उसी प्रकार से ये भी आयोजित किया जाएगा। हजियत का सामना करना, कुल 17 हमारे सेंटर से जहाँ पे एग्ज़ाम होना है, तो हर सेंटर पे जो व्यवस्था हम लोगों ने कराई है, एक एक सीनियर ऑफिसर जो है हर सेंटर पे पुलिस ऑफिसर रहेगा और प्रॉपर फिस्किंग हर एक कैंडिडेट की जाएगी ताकि कोई भी आपत्तिजनक सामान जो अलाउड नहीं है वो अंदर नहीं पहुँचे। इसके अलावा परीक्षा के एक दिन पहले सारे होटल्स, गेस्ट हाउस, लॉजेज जितना है सब की हम लोग चेकिंग कराएंगे
और चूँकि इसमें बहुत ऑर्गेनाइज गैंग्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो जो स्थानीय कोचिंग संस्थान वगैरह हैं उन पे भी हम लोग नज़र रख रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग नज़र रख रहे हैं। एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे ढंग से कराया जाएगा। उत्पाद अधीक्षक के मामला को लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि उत्पाद अधीक्षक का नाम आया शराब कारोबारियों से संपर्क में, क्या कार्रवाई सर इस पर हो रही है? अनुसंधान के क्रम में साक्ष्य जो मिले हैं उसके आलोक में हम लोग कोई डिसीजन जल्दी ही लेंगे।